हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम बना रहे हैं मटर पनीर। सो देखें कैसे बनती है ये। सो मैंने यहाँ पे रफली 2 से 3 प्याज जो बड़े साइज के हैं वो चॉप कर लिए हैं, और 4-5 टमाटर जो है वो चॉप कर लिए हैं, रफली चॉप किया है। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो लिया है। तो मटर है और पनीर है। सबसे पहले तेल गरम कर लेते हैं। तेल जो है गरम हो चुका है, तो मैं इसमें अपने रफली कटे प्याज डाल रही हूँ। आप जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली, मतलब लहसुन अदरक और हरी मिर्च, वो भी काट के डाल सकते हैं, पर मेरे पास क्या है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसीलिए मैंने वो काटे नहीं है। हरी मिर्च मैं अवॉइड करती हूँ बच्चे की वजह से, पर आप अपने स्वाद अनुसार ज़रूर डालें। तो अब मैं इसे तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि गोल्डन ब्राउन, हल्के से ब्राउन नहीं हो जाते, ताकि बढ़िया सा ग्रेवी का रंग आए और एक फ्लेवर आए। तो प्याज जल्दी ब्राउन करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट तो हम इसे फुल आंच पे कुक करेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। इससे क्या होगा, हमारे प्याज में थोड़ा सा नमक, बस हमारे प्याज जो है जल्दी कुक हो जाएंगे और ब्राउन भी हो जाएंगे। ये और थोड़ी जैसे ब्राउन के आसपास उन्हें लगेंगे, तब हम इसमें डालेंगे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट। प्याज जो है ना हमारा ट्रांसलूसेंट हो गया, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अपने स्वाद अनुसार आप डाल लीजिए जितना आपको पसंद हो। हल्का सा इसे भी भून लेंगे, बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। पेस्ट डालने के बाद ना ये हल्का हल्का चिपकना शुरू होगा, इसीलिए मैंने पहले नहीं डाला था पेस्ट, पर अगर आप चॉप करके डालें तो प्याज के साथ ही डालें, ताकि वो भी बढ़िया से कलर ले ले ब्राउन। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये रफली चॉप करी हुई टमाटर। तो जितना भी हमारा ये कच्चा होगा ना जिंजर गार्लिक, वो इस टमाटर के रस में निकल के आ जाएगा। तो कई तरीकों से आप बना सकते हैं मटर पनीर। जैसे प्याज और अदरक और हरी मिर्च और लहसुन को भून लिया हमने, उसके बाद उसकी पेस्ट बना ली, और फिर हम उसमें डाल सकते हैं टमाटर, कच्चे टमाटर की पेस्ट प्यूरी बना के, और फिर कुक कर सकते हैं। ये मैं करूँगी, साथ में अच्छे से भूनूंगी, ठंडा करके इसकी प्यूरी बना के फिर वापस कुक करेंगे। ये एक तरीका है। एक तरीका है टमाटर आप ग्रेट करके भी करें, तो बहुत बहुत तरीक़ों से आप बना सकते हैं, और हर तरीके का एक अपना ही बढ़िया सा स्वाद होता है। सो हमने जब नमक डाला था ना, वो प्याज के हिसाब से था। अब मैं थोड़ा सा और नमक डाल दूँ, ताकि जो टमाटर है ना हमारी फटाफट गल जाए। ढक लगा देंगे और इसे कुक कर लेंगे, जब तक हमारी जो टमाटर है ना वो पूरी पक नहीं जाए, और ठंडा करके 10 मिनट के बाद मैं मिक्सी में इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लूंगी। सो ये देखिए, 2-3 मिनट में ही सारी की सारी जो टमाटर है ना बढ़िया सी गल गई है। सो अब मैं इसे ठंडा करके मिक्सी में एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। सो ये जो है मैंने पेस्ट देखिए मिक्सी में कैसा पीस लिया है। अब मैंने कढ़ाई में दोबारा तेल लिया है, आप घी चाहें तो घी में बना लीजिए, हल्की सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, और ये हमारा पेस्ट। ये थोड़ी सी लाल मिर्च इसलिए था कि रंग जो है ना थोड़ा अच्छा आ जाए ग्रेवी में। ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसे। पानी बिल्कुल मैंने नहीं डाला था इसे पीसते वक्त। अब हम इसे कुक करेंगे जब तक कि थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए, और मैं क्या करूंगी, इसमें डाल दूंगी हमारी ये मटर। तो ये मैंने धो के कच्ची मटर ली है, ताकि जब ये कुक हो तो मटर भी साथ साथ पक जाए।
बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं करनी, देखिए कंसिस्टेंसी तो बहुत अच्छी है। तो मटर जब तक कुक नहीं हो तब तक हम ग्रेवी पकाएंगे ऐसे ढक के। सो अगर आपको लग रहा है कि नमक कम है, जैसे मैंने अभी चखा मुझे कम लगा, सो मैं इसमें नमक थोड़ा सा डाल रही हूँ। मैंने तीसरी बार नमक डाल रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, तो आपको यही चेक करना है कि बहुत ज्यादा ना हो जाए। धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च स्वाद अनुसार, और अच्छे से कर लेंगे हम इसे मिक्स। अब चाहते हैं प्रोसेस स्पीड अप करना तो आप मटर अलग से उबाल के भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे ढक दूंगी ताकि ये अच्छे से हो जाए कुक। सो करीब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी ये उबला है। मैंने बीच में फास्ट भी कर दिया था क्योंकि लंच टाइम हो रहा है और मैं लेट हूँ, पर धीमी आंच पे करेंगे तो बहुत आराम से होगा। ढक लगा के ज़रूर करें क्योंकि ग्रेवी बहुत उछलती है। ये देखिए, सो ये जो मेरी मटर है देखिए बिल्कुल कुक हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कम डाली है मटर। सो अब मैं इसमें डालूंगी लास्टली गरम मसाला स्वाद के अनुसार। बढ़िया ही खुशबू आता है गरम मसाले डालते, और हल्की सी चीनी एक चुटकी दी, ये इसे मीठा नहीं करेगा पर इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए ग्रेवी कितनी गाढ़ी है, आपको ना तो इसमें कोई दही मिलाने की ज़रूरत है, ना ही कोई बेसन, ना कुछ, बहुत ही अच्छी और गाढ़ी होगी। आप चाहें तो इसे और कुक करके और भी गाढ़ी कर सकते हैं। ये मैंने मिक्सी धो के पानी रखा है, ये मैं अब डाल रही हूँ। मैंने पहले क्यों नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं पहले ये पानी डाल देती ना तो इनको पकने में बहुत टाइम लग जाता। सो अब मैं इसे दोबारा थोड़ा सा कुक कर लूँगी धीमी आंच पे। उसके पहले मैं डालूंगी इसमें पनीर जो मैंने टुकड़ों में काट रखा है, और ये मैंने मसाला पनीर बनाया था कुछ टाइम पहले तो मेरे पास था वो। मैं बहुत बड़े टुकड़े मुझे पनीर के नहीं पसंद है, क्योंकि ऐसे लगता है ना कि प्लेन पनीर चबाए जाए चबाए, तो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मैं खूब सारे प्रेफर करती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है, और ये मैंने यहाँ पे काट के रखा है हरा धनिया, इसको बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर देगा। मिक्स कर देंगे और दोबारा मैं इसे 5 मिनट धीमी आंच पे कुक करूंगी, ताकि जो पानी जो था वो भी अच्छे से कुक हो जाए और सारा गरम मसाला और पनीर सब आपस में घुल मिल जाए। धीमी आंच पे हम इसे कुक करेंगे 4-5 मिनट के लिए। सो ये कुक हो गया है, 5 मिनट हो गए हैं, और दोबारा से मैं अब इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। ये आपकी विश है, अगर आपको कम पसंद हो तो कम डालिए, मुझे खूब पसंद है। और हरा धनिया ना सच बोलूँ बहुत एक अलग ही फ्लेवर देगा, जैसे कहते हैं ना मूल मंत्र, वो चीज़ है मटर पनीर में। ये आप चाहें तो इसे थिक करना तो और कुक कर सकते हैं 2-4 मिनट और काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। आप चाहें तो मलाई डाल सकते हैं लास्ट में थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, और दही अगर आप चाहें तो जब मटर डाले टमाटर प्याज की ग्रेवी में तब दही डाल के अच्छे से हिला के वो भी कर सकते हैं, तो मुझे इस तरीके से पसंद है। सो अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं तो ज़रूर बताएं मुझे आपको कैसी लगी, और आप किस तरीके से बनाते हैं वो भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चटोरी रजनी। बाय बाय।